you heard of Abom or Abomu? Well, the name is so attractive कि मुझे लगा इसके पूरा रिसर्च किया जाए. हाल फिलहाल आलोक जो मेरे और एक सन इन लॉ है, दामाद है, वो गया हुआ था केनिया एंड ही टोल्ड मी अबाउट दिस डिश. तो थोड़ा मैंने रिसर्च किया और उससे पता चला दिस इज़ अ वेरी हेल्दी वन बोल मील जिसको हम अच्छी वाली एक डिप के साथ बना सकते हैं, खा सकते हैं. कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स है, और क्या चाहिए. चलिए तो आज फिर इस बैकड्रॉप में अबोम बनाते हैं म्यूजिक के बाद. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलाज मैजिक पैन एंड टुडे वी आर इन अ प्लेस कॉल्ड कूकल. कूकल इज क्वाइट क्लोज टू कुडाईकनाल, तमिलनाडु में है. बहुत प्यारा सा व्यू है, मैं ज़रूर शेयर करूंगी. वीडियो के अंत तक बने रहिए. जो ट्रैवल करना पसंद करते हैं उनके लिए लाजवाब प्लेस है, पेट फ्रेंडली है, आपको बहुत अच्छा लगेगा. ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन विद द रेसिपी टुडे. Scrumptious Obomu Delight, a flavorful recipe to satisfy your cravings. अब ये घाना के हो गए, घाना के या अफ्रीका के बोल सकते हैं, वहाँ के हो गए कम्फर्ट फूड. जैसे हमारे हैं ना तरह तरह के कम्फर्ट फूड, ये घाना के कम्फर्ट फूड हैं. ये इतनी अच्छी है, इतनी टेस्टी, हेल्दी एंड डिलीशियस है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, पता है आपको उनका नाम? उनका नाम है नाना अकूफू अड्डो. नाना अकूफू ने पैंडमिक के टाइम पे बोले थे कि हर घर में, ये तो वैसे कंफर्ट फूड है, हर घर में बनता ही है, फिर भी वो बोले थे कि आप ज़्यादातर अबोमू बनाया कीजिए, अबोमू खाया कीजिए. दिस विल हेल्प बिल्ड योर इम्यूनिटी एंड कीप यू सेफ फ्रॉम द अटैक ऑफ कोरोना वायरस. तो ऐसे ही चलता रहा और देखिए मैंने सारे वेजिटेबल्स को बिठा दिया बॉयलिंग पे. और ये है, हम बंगाली में इसको कोचू बोलते हैं, बेंगलोर में ये टैपियोका है इंग्लिश नेम, बेंगलोर में अवेलेबल है. और ये स्टिकी और स्टार्ची नहीं होता है, तो ये आज हम चावल के बदले में ये वाली स्टार्च खाएंगे. ये है टैपियोका. अब इसको पील कर लेंगे और इसको प्रेशर कुकर में अलग से दो सीटी लगा के बॉयल कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों के. इसके बदले में आप कच्चे केले भी डाल सकते हो. दे ईट इट विथ अ लॉट ऑफ रॉ बनानाज ऑल्सो ऑन द साइड. तो आपके पास अगर कोचू या टैपियोका नहीं है, आप आलू के इस्तेमाल कर सकते हो, जो इंडिया की फेवरेट वेजिटेबल है. वैसे आपको पता है हमारे घर में आलू इतना ज़्यादा बनती नहीं है. तो ये लीजिए ओबोमो बनाने के लिए. साइड में मैं आज ये टैपियोका रखने वाली हूँ और बाकी वेजिटेबल्स बॉयल हो रहा है. आपको पता है इसकी बहुत सारी, घाना की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पहले नहीं पता था. यहाँ की ये सबसे वर्ल्ड के शांतिपूर्ण जगह है. और यहाँ पे आखरा नाम के एक सिटी है अफ्रीका में, जो वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है. और घाना के अंदर एक ओपन एयर मार्केट है, जो वर्ल्ड में शायद ही कहीं इतनी बड़ी ओपन एयर मार्केट है. ये भी एक जानने की चीज़ है घाना के बारे में. और शांति और अफ्रीका में, वो भी एक हैरान करने वाली बात है. तो यहाँ के लोग भी शांति पसंद करते हैं. और यहाँ के एक डांस फॉर्म है जिसका नाम है ओजोंटो डांस, और ये भी बहुत फेमस है. तो अबोमो जो है, अबोमो आप स्पिनच यानी कि पालक के साग के साथ बना सकते हो, आप कचकेला के साथ बना सकते हो. इसकी जो डिप है, ये पीसा जाता है, जैसे हम सिलबट्टा है ना हमारे यहाँ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में हम इसको सिलबट्टा बोलते हैं, साउथ इंडिया में हम इसको अम्मी कल्लू बोलते हैं. तो उसमें पीसा जाता है, जैसे इडली के बैटर नहीं पीसते दादी अम्मा लोग, अभी तो सारे के सारे मशीन में करने लगे हैं. तो ये इसको आसंका बोलते हैं, एक बड़ा सा ग्राइंडिंग प्लेट है जिसके ऊपर वो ये मैश करते हैं और उसी प्लेट के साथ वो सर्व करते हैं. सब एक ही प्लेट में खाते हैं, बोलते हैं ना खाना साथ खाने से प्यार बढ़ती है. तो अब देखिए मछलियाँ मैंने नमक और पेपर पाउडर लगा के थोड़ा सा रख दिया था साइड में, उसको अभी मैं फ्राई कर रही हूँ लो फ्लेम में. दोनों साइड से अच्छे से इसको पकाएंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे तो ये कच्चा रह जाएगा. और अनलाइक इंडिया, बाकी देशों में जो है हल्दी के इस्तेमाल बहुत कम होता है,
आपको चाहिए तो आप हल्दी ज़रूर डाल सकते हैं। अपने अपने किचन के चॉइसेस हैं, अपने अपने घर वालों के चॉइसेस हैं, जो आपको सही लगे आप वैसे ही बनाइए। वैसे खाना तो एक एक्सपेरिमेंटल है, हर घर में इसकी अलग किस्म से ही कुछ ना कुछ बनता है ना। तो मेरे पास तो आशंका नहीं है, इसीलिए मैं ये बड़ा वाला पैन ले रही हूँ, इस सॉस पैन, इसी में मैंने सारी चीज़ों को मैश किया। अब इसमें क्या होता है ना, अच्छे से ये आप फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल किया क्योंकि हाथ से बटी हुई या हाथ से पीसी हुई चीज़ें ज़्यादा टेस्टी होती है ना। हम हमेशा देखेंगे एक चटनी अगर मिक्सर ग्राइंडर में बनाते हैं और सिलबट्टे में बनाते हैं, टेस्ट में तो अंतर होना ही है। और आज की इस रेसिपी के इंस्पिरेशन है ये माहौल जहाँ पर हम रह रहे हैं। ये एक बहुत प्यारी सी जगह है, इसके नाम है कूकल। कुदाईकनाल तो आपने सुना ही होगा, कुदाईकनाल के पास ही है, कुछ 16-17 किलोमीटर की दूरी पे। और जो होम स्टे है बहुत प्यारा है, बिल्कुल ट्राइबल टाइप्स है, और मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसी रेसिपी बनानी चाहिए। और आलोक से भी मैंने काफ़ी सुना था इसके बारे में, तो मैंने सोचा चलो एक पैन रेसिपी हो ही जाए। और ये चला गया इसके अंदर रोस्टेड पीनट्स और बैंगन, बॉयल्ड बैंगन, वो ना ऐसे छोटे छोटे बैंगन यूज़ करते हैं, जो छोटे छोटे हरे हरे बैंगन नहीं होते हैं, वो उनको गार्डन एग्स बोलते हैं, उसके इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाले बैंगन मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ था, आपको तो पता ही है वो जो चीज़ें घर में मिलती है मैं उसी से कुछ ना कुछ बना डालती हूँ। बच्चों को अगर बैंगन खाने का मन नहीं हो या खाना पसंद नहीं करते हो तो आप ये वाला डिश ज़रूर ट्राई करना, किसी को पता नहीं चलेगा, बहुत टेस्टी बनेगी। ये डिप ऐसे, ये डिप बना के आप अलग से चिप्स के साथ या स्नैक्स के साथ परोस सकते हैं, ये भी एक बहुत बढ़िया आइडिया है। फ़िश फ्राई हो गई है, उसी ऑयल में मैंने प्याज और गाजर को थोड़ा सा सौते कर लूँगी। क्रंची रखना है थोड़ा सा गाजर को, ज़्यादा नरम ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि गाजर हम तो ऐसे ही सैलड के तौर पे ही खाते हैं ना। इसमें आपको और किस्म के, दूसरे किस्म के वेजिटेबल्स चाहिए तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने सिंपल रखा क्योंकि इसमें, इसके साइड में अभी वो टैपियोका भी डालना है, एग्स भी डालना है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। और ये हो गया कुछ प्याज के पत्ते जो मैंने पतले पतले काट के रखे थे, और सारी चीज़ें मैंने सौते कर लिया। थोड़ा सा नमक डाला और इसको अब असेंबल करने की बारी। फ्लैट 15 मिनट्स में एक कंप्लीट हेल्दी डिश आपके साथ, आपके सामने तैयार हो गया है। अब देखिए प्लेट में जो मैंने डिप बनाया था उसका 3 हिस्सा बना लिया, एक हिस्सा मैं प्लेट में बेस में अच्छे से सजा रही हूँ, इसके ऊपर बाकी चीज़ें आएंगी। अब देखिए एग्स भी बॉयल हो गए हैं, टैपियोका बॉयल हो गए हैं, थोड़ा सा नमक और पेपर पाउडर डालूंगी और इसको अच्छे से सजाऊंगी। ये देखिए फ़िश मैंने रख दिया है, प्रोटीन मिल गया फ़िश से। अब वेजिटेबल्स से, ग्रीन वेजिटेबल है, कैरेट है, विटामिन ए, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स। अब इसमें बॉयल्ड एग डाला मैंने और साइड में टैपियोका रख दूंगी। ये देखिए टैपियोका बॉयल हो गया है। जैसे मैंने आपको बोला ना, ये स्टिकी वैरायटी बिल्कुल नहीं है, इसके बदले में आप कच्चा केला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ग्रीन लीफी डाल देंगे एंड इट इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। तो फ्रेंड्स कैसा लगा अबोमू? मज़ेदार खाना, बहुत इंटरेस्टिंग सा नया रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए, यू विल लव द टेस्ट ऑफ इट। जाते जाते आपके साथ कूकल के होम स्टे और वहाँ की छुट्टियों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। ये है किचन की डेकोरेशन जहाँ पे बिल्कुल ट्राइबल स्टाइल डेकोरेशन है, तो ट्राइबल स्टाइल खाना बनाना ज़रूरी था। और बहुत बढ़िया सा मैदान था बाहर जहाँ पे कायो और ग्रिफिन को बड़ा मज़ा आया, दे हैड अ लॉट ऑफ फन रनिंग अराउंड एंड मेकिंग राहुल चेस देम अराउंड। रात को हमने बॉनफायर किए, बहुत मज़ा आया। Oh,
you're visiting for the first time, thanks for standing by, and lots and lots of love from Ella's Magic Pan. Bye for today.